तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है 13 नंबर और आज हम मेरे फ्रेशर नए बच्चे जो भी आए हैं, तो अभी मैं कॉलेज को जा रहा हूँ, तो आपसे मिलता हूँ कॉलेज में। गाइस ये नाश्ता कर रहा है, अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है इसका। दो पराठे खाऊंगा मैं, दही खाऊंगा, और ये मैंने इतनी सारी मिर्ची खानी है, और ये दूध है मेरा इतना मैं इतना सारा पीता हूँ रोज। मेरा नाश्ता यही रहता है सुबह का इतना सारा। तो अभी मैं चलता हूँ ये पी के घर को, और दही में दूध मिला के बहुत बढ़िया होता है, बिल्कुल उल्टी नाम की चीज़ नहीं होती है सब, ये देखिए यहाँ पे खाना सब पी जाना, सब खा जाना चाहिए पराठे ऐसे। हाँ। लोग ना वहाँ भूख लगेगी, फिर वहाँ रोएगा, वहाँ परसों जैसे रोया था अब रोया हो गया तेरा है यहाँ पे, चट कर दिया एकदम खत्म, सारी मिर्च साफ, सब साफ, दूध सारा साफ। तो दोस्तों अभी मैं निकल पड़ा हूँ, अब पापा लोग छोड़ने आए यहाँ पे, दीदी भी आई है यहाँ पे बाहर से, मैं चलता हूँ अब आपको पहुँच के मिलता हूँ। मतलब रास्ते में बनाऊँगा तो देखूँगा, वरना आप सीधे वहीं मिलूँगा, क्योंकि जल्दी पहुँचना था मुझे, देर हो गई घर से निकलने। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ जंगल पिस्ता के यहाँ पर, देखो जंगल पिस्ता। और अभी मैं, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं वो पहन देता हूँ क्या कहते हैं जो मैं वो लाया था मफलर टाइप का, क्योंकि गर्दन में बहुत ठंडा लग रहा है पीछे से। बाप रे, अरे यहाँ ठंडा हो गया मेरा पूरा पीछे की साइड। तो यहाँ पे मैं पहनता हूँ फिर चलता हूँ, वरना मैं रुक नहीं रहा था रास्ते में, मैंने कहा रुक जाता हूँ ये पहन लेता हूँ, ठंडा बहुत लग रहा था ना। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ नैनीताल, और अभी मुझे ये भी नहीं पता है कि कौन सा होटल उन्होंने बुक करा है, मुझे वो भी नहीं पता। अभी मैं दोस्त को कॉल करके पूछूंगा कि होटल कहाँ पे करके, बोल तो रहे थे कॉलेज के आसपास ही है, कौन सा बोला उन्होंने, कुछ नाम बोला था यार होटल का, याद आ रहा मुझे, अभी कॉल करके पूछता हूँ उससे पहले। दोस्तों अभी मैं पवेलियन होटल की पार्किंग में पहुँच गया हूँ, और स्कूटी वगैरह यहाँ खड़ी करती है, और अभी मैं अंदर को जाता हूँ। पहले मुझे पता ही नहीं चला कि होटल की पार्किंग कहाँ पर करके, फिर एक भैया से पूछा नीचे, तो उन्होंने बताया कि ऊपर करके, मैं अंदर को चलता हूँ फिर वहाँ मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ पवेलियन, द पवेलियन होटल। हाँ, और यहाँ पर मेरी फ्रेशर है, कोई बात नहीं, अत्तर भाई है ना। हाँ, तो यहाँ पे मेरी फ्रेशर है, आओ तुम्हें फ्रेशर अंदर क्या क्या है दिखा। ये देखो अभी हम यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं, मैं सही जगह गया था, इसका मतलब तूने खाली नीचे बुला दिया है। सीधे सीधे क्या था, तो दोस्तों ये है हमारे होटल से बाहर का नज़ारा, धूप आ रखी है बढ़िया, बाहर से आए हूँ। दोस्तों अभी हम थोड़ा सा डिस्पोजल कम पड़ गए थे, वो लेने जा रहे हैं। तो क्या क्या है खाने में, खाने में हाफ प्लेट मोमो है, चाउमीन है, और फ्राइड राइस है, और साथ में कपकेक हो गया। हाँ, तो अभी आपको अंदर दिखाते हैं, पहले हम लेके आते हैं वहाँ से, यहीं पर है पास में दुकान, तो चलते हैं। मैंने बस खोला है दोस्तों, अभी आधा प्रोग्राम हो चुका है, अभी बैठे हैं थोड़ा सा ऐसे ही, उसके बाद शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी नैनीताल में अभी मतलब अभी 4:15 हो गया है, और मैं निकल रहा हूँ घर को, पार्टी आटी हो गई है, और अभी इतनी सारी नाव यहाँ चल रही है। मौसम तो इतना ठंडा हो रहा है, मैंने सुबह भी ग्लव्स पहने थे, अभी भी ग्लव्स पहने, और मैं निकल रहा हूँ, ये देखो ऊपर ठंडा। तो दोस्तों अभी मैं नैनीताल से वापस आ रहा था, और इतना लंबा जाम लगा है ना पूरा, मतलब वहाँ से भुजिया घाट से यहाँ तक लगा है, और पूरा यहाँ से लगने में है अभी, और पूरी लाइन लगी है लंबी वाली बहुत आगे तक। फिर दोस्तों ये अभी मैं पहुंच चुका हूँ माँ शीतला देवी मंदिर के यहाँ पे, और अब जाके जाम ख़त्म हो रहा है, मतलब अब थोड़ा मतलब खुल गया है, और कम से कम नहीं भी होगा तो मतलब 6-7 किलोमीटर लंबा जाम था,
बड़ी मुश्किल से निकल गया। हमारी स्कूटी वालों के लिए तो सही होता है, लेकिन गाड़ी वाले तो अभी भी फंसे रहेंगे, रात तक फंसे रहेंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ही लंबा। तो दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 11:30 होने वाला है। मैं घर आ गया था, उसके बाद फिर मैं शाम को मंदिर गया, फिर मंदिर से आया, तो आज मतलब बहुत ज़्यादा थकान जैसी लगती है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा बनाया है, तो मतलब ज़्यादा सूट नहीं करा क्योंकि म्यूजिक वाला बज रहा था ना, कॉपीराइट आ जाता, तो मैंने सूट तो किया है बहुत सारा, लेकिन उसको थोड़ा सा वैसे डाल दूँगा बिना म्यूजिक के तेज तेज करके। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, और आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।